तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, कुछ मेजर प्रिकॉशन जो कि हमें अपने बालों के लिए लेना चाहिए। जी हाँ, आज हम सब फेस कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है कि हम अपने बालों का ना टूटना रोक पा रहे हैं, ना अपने बालों की केयर कर पा रहे हैं, ना हम जान रहे हैं कि इसकी केयर की कैसे जाती है। हमारे बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। तो आज मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके अपने बालों का केयर कर सकें, और डिटेल्ड वीडियो भी आएंगी बालों के ऊपर। बट अभी एक शॉर्ट नोट तैयार करते हैं कि क्या हमें खाना पीना चाहिए, क्या हमें अपने बालों में लगाना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने डैमेज हेयर्स को और अपने झड़ते बालों को, अपने डैंड्रफ वाले बालों को डैंड्रफ फ्री बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं देव शुक्ला, आप देख रहे हैं ग्रूमिंग ग्रूमिंग, यहां पर आपको हेल्थ और ब्यूटी के रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। तो बात करते हैं कि हम अपने बालों को बचाने के लिए अपने डाइट में क्या ऐड करें। हमारे बालों के लिए या फिर हमारे मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मीट, फिश, चिकन, पनीर, टोफू, सोया चंक, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिससे कि हमारे डेली डाइट में प्रोटीन के जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कंप्लीट होते रहें। प्रोटीन का बराबर इंटेक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम अपने बालों की सुरक्षा कर सकें, अपने मसल्स की सुरक्षा कर सकें और अपनी खूबसूरती की भी सुरक्षा कर सकें। इसके द्वारा प्रोटीन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपके बाल जो टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं या डैमेज हो रहे हैं, हम उसे बचा सकें। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जिंक के बारे में। प्रोटीन की तरह ही जिंक भी हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंक कंज्यूम करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ये हमें इस बात की टेंशन नहीं लेना है कि अब हमें जिंक कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जिंक हमें मिल जाता है वेजिटेबल से, ग्रीन सैलेड से, फ्रूट से और वेरी इजी वाटर से। आप अगर आप फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर पीते हैं तो आपको उसमें भी भरपूर जिंक की मात्रा मिलेगी, जिससे कि आपके बालों की सुरक्षा होगी। मैंने बहुत ही बारी बोला है कि आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है, दिन में 24 घंटे में आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। जी हाँ, आपको अपनी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होने देनी, आपको अपनी बॉडी हाइड्रेट रखनी है, जिससे आपके बालों की ही नहीं आपके स्किन की भी सुरक्षा होगी। हम डाइट की बात कर रहे हैं तो हमारे बालों के लिए ओमेगा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ, हमारे बालों के लिए ओमेगा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम सोच रहे होंगे हमें ओमेगा कहाँ से मिलेगा, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ओमेगा आपको मिल जाएगा फिश से, ओमेगा आपको मिल जाएगा ठंडे पानी से, ओमेगा आपको मिल जाएगा योगर्ट यानी दही से, ओमेगा आपको मिल जाएगा सीरियल्स से, ओमेगा आपको मिल जाएगा फ्लैक्स सीड से, ओमेगा आपको मिल जाएगा कॉटेज चीज़ से, ओमेगा आपको मिल जाएगा सैलेड से। और अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं कंज्यूम कर सकते हो तो ओमेगा की छोटी छोटी टैबलेट्स आती हैं ओमेगा 3 नाम से, या फिर मार्केट में बहुत ढेर सारी टैबलेट्स भी अवेलेबल हों ओमेगा की, आप उन्हें भी ले सकते हैं। और आप अपने बालों पे अगर चाहें तो विटामिन ई की कैप्सूल को काटकर शैम्पू में मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। अपने बालों के लिए आप सही शैम्पू को चूज़ करिए, यानी कि आप अपने बालों के लिए सही शैम्पू का चुनाव करिए, जानिए कि कौन सा शैम्पू आपके बालों को सूट करता है। प्लस इससे भी इम्पॉर्टेंट, अब बहुत ढेर सारे शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, मतलब केमिकल होते हैं उसमें बट उतने ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं जितने कि प्रीवियस शैम्पूज में होते थे। तो ट्राई करिए कि आप उन शैम्पूज़ को खोजें जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं, बहुत ही कम केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।